So we have today with us adventurous souls and people coming from Jammu and Kishtwar. We have Honorable CJM Saab, Justice Saab, हमारे किश्तवाड़ से. And then we have tourism officers and tourism officials from Directorate of Tourism, visiting and surveying, sailing on the sacred waters of Chandrabhaga. And it is an immense pleasure for us to host them. So we will enjoy the ride further. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Sir, how does it feel to be able to connect with the divine essence of this ancient river called Chandrabhaga? It's an ethereal experience because you are very close to the nature, right in the lap of the nature. Absolutely, sir. And it's a divine feeling. You get connected to the nature and the universe. Yes, sir. Away from the hustle bustle of the city life. Absolutely. Urban life, pollution. It's all neat and clean and very serene. Absolutely, sir. Very rightly said, as you said, from the din of the urban jungle. Have you ever done this or this is your first time? No, this is my second time. I've done it earlier in Sonamarg. Okay, cool. Namaskar, sir. Namaskar, ji. सर आप कुछ शेयर करना चाहें अगर चंद्रभागा का काफी हिस्टोरिक जो है महत्व है और आगे चल करके ये मिलता है भोट नाला के साथ विच मेक्स इट चिनाब. हम लोगों ने रियासी में भी राफ्टिंग की है, यहाँ भी की है, काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है इस स्ट्रेच काफी फेमस हो जाएगा आने वाले टाइम में. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो ब्यूटीफुल रिवर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नाइस राफ्टिंग, रियली एंजॉयिंग. थैंक यू. पाडर एडवेंचर वीक के चलते अभी ये खास तस्वीर जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं. हमारे सामने बैठे हैं एमए अलनासिर साहब, सीजेएम किश्तवाड़, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट हमारे साथ, टूरिज्म के ऑफिशियल और अफसरान बाला साहिबान. आप देख पा रहे हैं साथियों इस वक्त हमारे पास वीआईपी गाड़ियां भी हैं इनके रेस्क्यू के लिए, इनके स्कॉट के लिए, लेकिन ही रादर चोज टू ट्रैवल थ्रू दिस. हमारा ये जो जुंगा है या हमारी पिकअप है इसी से जाना इन्होंने पसंद किया क्योंकि ये अब हम क्या ही कहें, सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है. आइए साहब से पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, जिंदगी का एक्सपीरियंस हमें बताएं थोड़ा अपना कि कैसे इंसान को रहना चाहिए, कितना ग्राउंडेड या कैसे जो भी है, अगर कुछ हमसे अपनी अमृतवाणी शेयर कर पाएं तो. हियर आई एम नॉट सिटिंग एज अ जज, हियर आई एम सिटिंग विद माय ओल्ड चाइल्डहुड बडीज एंड आई वांटेड टू शेयर माय सीट विद देम बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स व्हेन वी वर नोबडीज. Today everybody is excellent in his own field. So what I want to say is whatever you achieve in life, you don't forget your roots. You don't stick to that protocols always. Because these were those friends who accepted me when I was nobody. So today we may become whatever we want to be, but then we should be together. And we should not forget those old memories because somebody told me that if somebody is in acute depression or in any kind of such disease where he has psychological problems, he should connect with his childhood buddies. And that is what right now I'm doing. It's a kind of de-stress mode for me today. And added icing on the cake is the adventure. Absolutely. So thank you very much for providing me this opportunity. I really loved it and enjoyed it. You are very welcome. This picture is definitely a gateway to the past and a gateway to the roots. Sir, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें टूरिज्म के हवाले से, कैसा आपको लगा हमारा पोटेंशियल, पार्टनर का अनटैप्ड पोटेंशियल है, विच नीड्स मोर एक्सपोजर विद योर सपोर्ट? यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल तो बहुत है, हम लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और मोस्टली यात्रा यहाँ पे चलती है तो लोग काफ़ी आते हैं और मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट आपने शुरू किए यहाँ पे राफ्टिंग की जी. तो काफ़ी लोग आएंगे और एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके. डेफिनेटली जब शेयर्स होंगी पिक्चर्स आपकी, वीडियोस आपकी, तो यहाँ टूरिस्ट भी जरूर आएंगे. अभी तो यहाँ पे बाइकर्स आते हैं, मुझे बताया बताते हैं बाइकर्स काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं जाने हैं, ऐसे ही टूरिस्ट भी आके उसको एंजॉय करेंगे. इसके अलावा भी सर एडवेंचर टूरिज्म या सैर सपाटे के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है. अगर जहाँ पे हमारे जोरावर सिंह कहलूरिया साहब ने जो विक्ट्री ट्रैक जो यूज़ किया था गिलगित उदर फतेह करने के लिए, उसको हम एज ए ट्रैक चला सकते हैं. नीलम खान साइट सीइंग के रूप में चला सकते हैं. इधर टुपेंडो पीक कबन में है, बहुत सारा पोटेंशियल है सर. यहाँ पे काफी पोटेंशियल है, इसको लेके सर हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा. हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म हमेशा हेल्प में रहता है और हमेशा इन चीज़ों को प्रमोट करता रहता है. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, राफ्टिंग तो हर जगह किया पर बहुत देर हुआ अपने मित्र जिनको बचपन से गुजार करने में, टोटली डिफरेंट थिंग, फैमिली के साथ अलग मजा होता है. बिल्कुल सर, बहुत अच्छी रिवर है, सराउंडिंग अच्छी है,
पीपल आर वेरी गुड, नाइसली फ्रेंडली। ये आगे चांस बैंक बहुत अच्छा पिक करेगा सेक्शन, लवली फैमिली, वेरी गुड सेक्शन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। यही सब मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए। देखो तो मैं समझ गया, जब ये इतने सर ने कोशिश की है सारे। जिम में रहे हो किस टाइम? 93 से 95 तक फुटबॉल अच्छे। जहाँ जहाँ मैं क्रिकेट रहा हूँ ना, कम से कम दो तीन ट्रैक मैंने किए। फुटबॉल ग्रेट लेक्स ग्रेट लेक्स किया, उतारसर वार से जाना है तेरे हैमूर तो मैं बुला रहा हूँ। मैं टेंट इसीलिए खरीदा ना, अच्छा मेरा वो रह गया। मैं पिछले 5-6 साल से प्रोग्राम बना रहा हूँ, कुछ ना कोई पंगा पड़ता है अमरनाथ तो ऊपर। क्या चीज ट्रांसफर सर? अमरनाथ से पहले इधर बढ़ते जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, हम इधर से चढ़ेंगे, कहाँ से? सोनमुर्ग वाली साइड से। अच्छा, इधर से चढ़ेंगे उतरेंगे उधर। हाँ हाँ, इधर सोनमुर्ग फिर उतरना आसान रहता है ना, फिर उसकी वजह बिकॉज हाई स्पीड वो ऐसे। मैंने कहा इसको घोड़े पे बांधो और ले जाओ, ये पैदल नहीं चलेगा, मर जाएगा। कहता जी घोड़े पे टिकता नहीं। मैंने कहा टांगे बांध के जैसे आठ बार डालते हो बच्चे का, वैसे डालो इसको, और वो अगले मोड़ तक मर जाता पक्का। उसका वो हार्ट इतना पेल्पिटेट कर रहा था क्योंकि उसको आदत ही नहीं आल्टीट्यूड की। एसी में रहने वाला कुत्ता आल्टीट्यूड कहां चढ़ेगा? थैंक यू सर, आप टाइम निकाल के यहाँ तक आए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मजा आ गया। चल बाइक की चाबी इधर है, मुझे बेटा पानी पिलाओ।